जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष फैजान खान ने चेतावनी दी है। प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास स्थान का घेराव किया जाएगा। अगर महंगाई की बात की जाए तो टमाटर सब्जी से गायब हो चुका सबसे ज्यादा आज में दिक्कत आ रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर सबसे ज्यादा महंगा मध्य प्रदेश के अंदर है। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पूर्ण रूप से बहुमत में आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ शपथ ग्रहण लेंगे, जिसमें कांग्रेस के द्वारा की गई 5 घोषणाओं को अमल में लाया जाएगा और प्रदेश के नागरिकों को राहत मिल सके। राजधानी भोपाल की कर सड़कों की बात की जाए तो मौत की सड़क के नाम से कुछ सड़क में भी विख्यात हो चुकी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भीषण बरसात के चलते कई स्थानों पर गड्ढे हुए, जिससे आए दिन लगातार निरंतर दुर्घटनाएं घटित हो रही है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुके हैं। लेकिन सो तू ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर ध्यान ना देते हुए इवेंट के अंदर लगी हुई है झूठ और खोखले वादों के, सारे प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद फैजान खान है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री। देखिए, आज हमने अपने निवास पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठी गई है, सबसे बड़ा मुद्दा घोटाला। आज व्यापार घोटाले जैसे हर महीने घोटालों की फाइलें खुलती जा रही हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध। टमाटर महंगे हो रहे हैं, घरेलू सिलेंडर महंगा हो रहा है, सड़कें खुली हुई हैं। इन सभी मामलों को लेकर हमने उग्र आंदोलन की शुरुआत कर दी है। हम आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोनू सक्सेना जी के सीमा घेराव पर, पूर्व में उनको वाटर कैनन छोड़ा गया, उनकी आंख जख्मी हुई, पर शिवराज सिंह चौहान जी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, पर शिवराज सरकार का कोई मंत्री उनको देखने नहीं है। मेरी मांग है दोषी पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, टमाटर सस्ते हो, पेट्रोल डीजल सस्ता हो और जहाँ जहाँ सड़कें खुदी हुई हैं उनको वापस दुरुस्त किया जाए। और जो बजट पास किया गया, वर्तमान के पार्षद हों चाहे महापौर हो, उन पर मैं RTI लगाऊंगा, उसकी जानकारी निकालूंगा और जितना उन्होंने काम किया है और जो इन्होंने घोटाले किए उसको लेकर मैं निवास का घेराव करने जा रहा हूँ 4 दिन के अंदर। हमारे मोहन सक्सेना जी ये बहुत अच्छे हो गए, ठीक हो गए, जल्द ही मैं बड़े नेताओं के साथ बैठक करके इस आयोजन को सफल बनाऊंगा।